रिश्ते आपको बता दें कि जिंदगी की तलाश में 44 घंटे से तपोवन में ऑपरेशन टनल जारी। इस बीच सेना का उम्मीद भरा बयान सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद सेना के मेजर जनरल राजीव छिब्बर ने TV9 भारतवर्ष से कहा है कि टनल में अभी जिंदा लोग हो सकते हैं, अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त है और टनल में फंसी गाड़ियों की वजह से मिट्टी आगे नहीं गई होगी तो लोग जिंदा होंगे। ये उम्मीदों से भरा सबसे बड़ा बयान सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए उसी सेना से मेजर जनरल राजीव छिब्बर सेना मेडल हमारे साथ हैं। सर, आपने दौरा किया अंदर का, जाके वहां देखा ऑफिसर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, जवान कैसे काम कर रहे हैं, क्या आपने देखा और क्या चल रहा है इस वक्त? इस समय रेस्क्यू का कार्रवाई जारी है, जिसके अंदर दो तरीके से काम हो रहा है। एक तरफ से हमारा प्लांट इक्विपमेंट स्लश जो है अंदर टनल में बाहर निकाल रहा है उसको, और जहाँ पे स्लश ऊपर तक टनल में है वहाँ से हमारे जवान प्लैंक्स के द्वारा और ऊपर टनल की छत में हुक्स लगा के मैन्युअली स्लश क्लियर कर रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द अपने जो लोग फंसे हुए वहाँ तक पहुँच पाएँ। आप कितने मीटर अंदर तक पहुँच गए हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं और उन फंसे हुए लोगों के जिंदा होने की कितनी संभावना है? NTPC के द्वारा दिए गए फिगर्स कहते हैं तकरीबन 37 लोग इधर काम कर रहे थे। हम तकरीबन इस समय 150 मीटर तक जा चुके हैं। 50 मीटर आगे एक साइड टनल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी कोशिश जारी है, क्योंकि हम समझते हैं कि जब ये स्लश आया होगा तो ये जो अंदर लोग काम कर रहे थे साइड टनल की तरफ बढ़ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे एक डोजर भी था, दो गाड़ियाँ भी थी और साइड टनल लंबा है। हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होगा और इनके बचने की उम्मीद हमें पूरी है और हमारी पूरी जोर है, पूरी ताकत से हम अपना काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल सर ये बताइए कि जहाँ पर ये गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उसके आगे आप संभावना जता रहे हैं कि ये लोग भागकर अपनी जान बचाए होंगे, उन गाड़ियों तक पहुँचने में कितना वक्त लगने की संभावना और उन गाड़ियों को निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अब आगे बड़ी मशीन्स नहीं जा पाएंगी, आप मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे में उन गाड़ियों को कैसे निकालेंगे और कितनी संभावना है? जहाँ तक हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि जो हमारे फेलो सिटीजन अंदर ट्रैप्ड उनको निकाला जाएगा, उसके बाद सेकंड फेज के अंदर ये गाड़ी निकाली जाएगी। कितना वक्त वहां तक पहुंचने में लगभग मारा जाए? मैं आपको कोई टाइम अनुमान नहीं दे सकता हूं क्योंकि टास्क बहुत कठिन है और हम अपनी पूरी ताकत से जोर से इस टास्क में लगे हुए हैं। आज शाम तक सेना कोई खुशखबरी दे सकती है देशवासियों को? हमारी कॉन्स्टेंट एक ही मुद्दा है, एक ही कोशिश है कि हम जल्द से जल्द जो हमारे लोग फंसे हुए वहां तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।